हेलो और वेलकम दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, और ये सीएमए फाइनल का पेपर 15 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का चैप्टर है। ओके, आज हम लोग इलस्ट्रेशन 6 से करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग इलस्ट्रेशन 5 तक कर चुके थे, आज इलस्ट्रेशन 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेदिंग केयर लिमिटेड मैनुफैक्चर्स एंड सेल्स सोप्स अंडर ब्रांड नेम इलाइट लवली फ्रेश एंड जनता। तो एक बेदिंग केयर लिमिटेड कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर और सेल कर रही है ये चार तरह के सोप्स। जनता सोप जो है वो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है, ठीक है, एंड इट इज़ रीजनेबली प्राइज्ड। कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स पर एनम ऑन एन एवरेज 50 केक्स ऑफ एलाइट, 1 लाख केक्स ऑफ लवली, 75 केक्स ऑफ फ्रेश एंड 2 लाख केक्स ऑफ जनता एट अ यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ दिस मच रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनुअली कितना यूनिट सेल हो रहा है और एट व्हाट सेलिंग प्राइस सेल हो रहा है इसका वैल्यू गिवन है। नाउ एट दिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स द यूनिट कॉस्ट ऑफ केक ऑफ ईच ब्रांड ऑफ सोप इज एज फॉलोज। तो यूनिट कॉस्ट भी गिवन है। द कंपनी हैज लॉट ऑफ अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी एंड देर इज एम्पल स्कोप फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्शन एंड सेल्स वॉल्यूम। यहाँ पे जो कंपनी है इसके पास बहुत अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी है, ठीक है, और बहुत स्कोप भी है टू इम्प्रूव इट्स प्रोडक्शन। नाउ द सेल्स मैनेजर पुट अप अ स्कीम फॉर ऑलमोस्ट क्वाड्रपलिंग द प्रेजेंट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो एक सेल्स मैनेजर जो है वो एक स्कीम लेकर आया है। इस स्कीम के तहत एन एक्सक्लूसिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन, एक कैंपेन करेगा, ठीक है, टू प्रोड्यूस एंड सेल जनता सोप्स। जनता सोप्स को के लिए एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन करेगा जिसका टोटल कॉस्ट पड़ेगा 4,85,000। एट द सेम टाइम एसपी ऑफ जनता सोप शुड बी रिड्यूस। तो बोल रहा है कि एट द सेम टाइम जो सोप का सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपीज से घटाएगा, और ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने से सेल्स मैनेजर कॉन्फिडेंट है कि वो डबल कर पाएगा प्रेजेंट सेल्स वॉल्यूम को जनता सोप का। और क्या बोल रहा है, विथ ईच 1 लाख इंक्रीज ऑफ जनता सोप ही वुड बी एबल टू पुश 30 लाख। मतलब कि अगर 1 लाख से इंक्रीज करेगा जनता सोप तो 30,000 से एलाइट करेगा, 70 से लवली, 50 से फ्रेश इन द मार्केट। तो एक लाख इंक्रीज इन जनता सोप इतना क्वांटिटी से बाकी सोप्स भी इंक्रीज करेगा। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एट प्रेजेंट एंड प्रॉफिट इफ द सेल्स मैनेजर स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड। तो सबसे पहले एट प्रेजेंट प्रॉफिट निकाल लेंगे। हमारे पास कॉस्ट दिया हुआ है, यूनिट कॉस्ट दिया हुआ है पूरा चारों सोप्स के लिए, तो वो हम लोग इनपुट करके हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। ये अमाउंट पैसे में गिवन है, इसे पॉइंट में हम लोग करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल लेबर ये हमारा पॉइंट में आ जाएगा, 0.5, एलाइट का 0.4, 0.35 एंड 0.45 हमारा मटेरियल, इससे से लेबर। उसके बाद फिर वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन एक्सपेंस में कितना है, 0.1, 0.1, 0.5, 0.5, और फिर यहाँ पे एडमिन एक्सपेंस में वेरिएबल कितना है, 0.15, 0.50, 0.10, 0.50। तो इस तरह से वेरिएबल एक्सपेंस को हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का भी वेरिएबल पार्ट हम लोग ऐड कर लेंगे और उसको हम लोग लेस कर देंगे सेलिंग प्राइस से। तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा पर यूनिट सबका। तो टोटल कंट्रीब्यूशन भी निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास यूनिट गिवन है। जैसे कि एलाइट के केस में हमारा यूनिट कितना है, 50,000। तो 50,000 इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट भी है, कैसे निकालेंगे, तीनों फिक्स्ड कॉस्ट जो यहाँ पर है, पहला यहाँ पर प्रोडक्शन एक्सपेंस का, फिर एडमिन एक्सपेंस का और फिर S&D एक्सपेंस का, तो तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट भी आ जाएगा। टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिक्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके हम लोग प्रॉफिट ले आएंगे। ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू के लिए है। अब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे बाय अडॉप्टिंग सेल्स मैनेजर स्कीम। तो सेल्स मैनेजर स्कीम क्या बोल रहा है कि एक कैंपेन करेंगे जिसका कि खर्च कुछ इतना आएगा, 4 लाख समथिंग आएगा, ठीक है, और हम लोग जनता सोप का सेलिंग प्राइस भी रिड्यूस करके 1 कर देंगे, और इससे क्या होगा कि इसका प्रेजेंट सेल्स का डबल हो जाएगा वॉल्यूम, और हर 1 लाख इंक्रीज होने में, जनता सोप का सेल इंक्रीज होने में एलाइट का 30,000 केक्स ज़्यादा सेल होगा और लवली का 70,000 और फ्रेश का 50,000। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 1 लाख एलाइट के लिए, ठीक है,
एलाइट का हमारे पास पहले कितना था, 50,000, पहले 50,000 था, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, जनता सोप का कितना बढ़ रहा है, पहले जनता सोप का 2 लाख था, अभी डबल होके कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा टोटल सेल्स। तो 4 लाख, 2 लाख से कितना ज्यादा हो रहा है, 2 लाख। तो यहाँ बोल रहा है कि 1 लाख इंक्रीज में एलाइट का 30,000 होगा, तो 1 लाख के लिए 30, तो 2 लाख इंक्रीज होने के लिए कितना, 30 × 2 = 60, तो अभी का 60 और पहले कितना हो रहा था, 50, तो 50 + 60 टोटल 1,10,000 इसका नंबर ऑफ यूनिट जो है वो सोल्ड होगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, वो वैल्यू ले लेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा आ जाएगा 2,31,000। इसी तरह से अब लवली केक का कितना होगा, लवली केक का पहले सेल हो रहा था 1 लाख केक, ठीक है, तो अब कितना होगा, 70,000 इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लाख इंक्रीज करने के लिए कितना हो जाएगा, 70 × 2 1,40,000, अभी का 1,40,000 और पहले का 1 लाख, तो टोटल 2,40,000 कंट्रीब्यूशन भी सेम रहेगा। फ्रेश का पहले कितना था, फ्रेश का पहले 75,000 था, अभी है 50,000, तो 50 × 2 1 लाख और पहले का 75,000। तो 1,75,000 कितना हो जाएगा, 1,75,000, और जनता सोप का तो 4 लाख हो ही गया, तो इसका भी कंट्रीब्यूशन, इसका कंट्रीब्यूशन में चेंज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है, सेलिंग प्राइस हो गया है 1, तो अगर सेलिंग प्राइस इसका 1 हो जाएगा तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस वीसी, तो 1 - VC कितना हो जाएगा, यहाँ पे वीसी जो हमारा है कितना आया था, 0.7, तो हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 0.3, तो कंट्रीब्यूशन 0.3 के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ऐड करके हम लोग टोटल फिक्स कॉस्ट से लेस कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 7, एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर और सेल कर रही है प्रोडक्ट एक्स, जिसका प्राइस है ₹40 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 16 पर यूनिट, ठीक है, फिक्स कॉस्ट जो है 4,80,000 दिया हुआ है, एंड एनुअल सेल्स आर एट 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कैलकुलेट करना है रेट ऑफ नेट रिटर्न ऑन सेल्स अज्यूमिंग एन इनकम टैक्स लेवल ऑफ 40%। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लेंगे, और उससे पहले हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। एसपी माइनस वीसी इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 24 पर यूनिट। पीवी रेशियो निकाल लेंगे, सी बाई एस इंटू 100, 60% आ जाएगा। नाउ ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन, तो फिक्स कॉस्ट 4,80,000 डिवाइड बाई 24 कंट्रीब्यूशन जो है, तो फिक्स बी एस हम लोग को कितना आ जाएगा, 20,000 यूनिट्स, ये यूनिट्स में आ रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से जो सेलिंग प्राइस है, तो हमारा बी एस जो वो रुपीज में आ जाएगा 8 लाख। अब हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि कंपनी का जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो एनुअल सेल्स है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे हो रहा है, मतलब 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे ये एनुअल सेल्स कर रहा है अपना। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, एस माइनस बी एस बाय एस इंटू 100। मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है 60%, 0.6 इक्वल्स टू एस पता नहीं, और बी एस जो है वो 8 लाख है, तो हम लोग क्रॉस कैलकुलेशन करके 20 लाख रुपीज 20 लाख निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो कंपनी है उसका एनुअल सेल्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे हो रहा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि एक कंपनी अगर ब्रेक इवन सेल्स पे सेल कर रहा है, तो मतलब उसका टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल, टोटल सेल्स इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, उसका सेल्स पूरा का पूरा कॉस्ट कवर कर रहा है, यहाँ पर उसका टोटल कॉस्ट कवर हो जा रहा है, ये बीईएस अमाउंट है, बीईएस पॉइंट है। अब इससे जो एक्स्ट्रा वो कर प्रॉफिट कमा रहा है, इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। टोटल कॉस्ट से कितना ये दूर पे है, या फिर जो भी इसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो रहा है उसका, ठीक है। तो ये कंपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे इसका जो है 60% पे ये एनुअल सेल्स करता है। तो वहां से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे 20 लाख रुपीज, तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, यूनिट्स, तो हम लोग को पता चलेगा कि टोटल यूनिट से कितना सेल करता है, डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है हमारा 40 है, तो 50,000 यूनिट आ गया, ठीक है। अब हम लोग सेल्स टेबल बना लेंगे, तो 50,000 यूनिट इंटू टोटल इंटू सेलिंग प्राइस 20 लाख, 20 लाख आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट 16 गिवन है, तो 50,000 × 16 8 लाख, कंट्रीब्यूशन 12 लाख आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 4,80,000, प्रॉफिट आ जाएगा 7,20,000। इससे हम लोग 40% टैक्स रेट निकालकर लेस कर देंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट रेट पे निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग टोटल सेल से डिवाइड कर देंगे, तो रेट ऑफ नेट प्रॉफिट आ जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न। अब अगला क्वेश्चन बोलता है, फॉर द नेक्स्ट ईयर इट इज प्रपोज टू एड अनदर
product line Y whose selling price would be 50 per unit. Variable cost rupees 10 per unit. Total fixed costs are estimated as 6,66,600. Sale mix XY का कितना है 7:3. At what level of sales next year this company would break even? तो हम लोग को break even find out करना है इस company का. Give separately for both X and Y the break even sales in rupees and quantity. तो rupees में भी निकालना है और quantity में भी निकालना है. सबसे पहले जो यहाँ पे रेशियो दिया है तो मतलब इसका कोई कॉमन कॉमन फैक्टर होगा. तो लेट दैट बी ए. तो 7A और 3A मान लेंगे, जो कॉमन फैक्टर है वो A मान लेंगे यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे और क्या है, जब ब्रेक इवन में हमारा क्या होगा, कंट्रीब्यूशन जो है वो पूरा का पूरा फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर लेगा. वो ब्रेक इवन पॉइंट होगा इस कंपनी का. तो कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर बिठाएंगे. एक्स के लिए कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 7A इंटू 24, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था हमारा. और 7A जो है इसको हम लोग टोटल इसका मानते हैं, एक्स का यूनिट मानते हैं. तो 7A इंटू 24 और वाई के लिए कितना हो जाएगा, 3A इंटू वाई का कितना दिया है, वेरिएबल कॉस्ट 10 है और सेलिंग प्राइस जो है वो 50 है. तो 50 माइनस 10 की कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, रुपीज़ 40. इसीलिए 3A इंटू 40 इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 6,66,600. इसको सॉल्व करके हम लोग ए का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि इतना आएगा. अब टोटल यूनिट्स ऑफ ये एक्स आ जाएगा 7 इंटू दिस अमाउंट और टोटल यूनिट्स ऑफ ये वाई भी आ जाएगा 3 इंटू दिस अमाउंट. देयरफॉर ब्रेक इवन सेल्स ऑफ एक्स विल बी 7A उसका वैल्यू मल्टीप्लाई करके जो आया इंटू सेलिंग प्राइस हम लोग का रुपीज में आ जाएगा ब्रेक इवन सेल्स फॉर एक्स. और y का भी सेम 3A इक्वल्स टू इतना वैल्यू आ रहा है मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस. इसका गिवन है कितना 50, y का 50 और x का कितना है 40. तो हमारा y का भी ब्रेक इवन सेल्स इन अमाउंट आ जाएगा. इलस्ट्रेशन 8. द प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ पुशन लिमिटेड वर्क आउट टू 12.5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड एंड द रिलेवेंट फिगर्स आर इज अंडर. सो एक कंपनी है जिसका कि प्रॉफिट बेस्ड है कैपिटल एम्प्लॉयड पे. सेल्स, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा ये सब गिवन है. द न्यू सेल्स मैनेजर हु हैज जॉइंड द कंपनी रिसेंटली एस्टिमेट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट ऑफ अबाउट 23% ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड प्रोवाइडेड द वॉल्यूम ऑफ सेल इज इंक्रीज बाय 10%. साइमल्टेनियसली देर इज एन इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस ऑफ 4% एंड एन ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन इन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बाय 2%. तो एक नया सेल्स मैनेजर है जो कि फोकस कर रहा है, एस्टिमेट कर रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट 23% कैपिटल एम्प्लॉयड का हो जाएगा प्रोवाइडेड, मतलब कंडीशन है कि वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीज करना पड़ेगा बाय 10% और सेलिंग प्राइस को भी इंक्रीज करना पड़ेगा बाय 4%. इसके साथ साथ कॉस्ट में भी रिडक्शन करना होगा बाय 2%. ठीक है. फाइंड आउट बाय कंप्यूटिंग द डिटेल इन डिटेल द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ नेक्स्ट ईयर. ठीक है. वेदर द प्रपोजल ऑफ सेल्स मैनेजर बी अडॉप्टेड और नॉट. तो सबसे पहले हम लोग को जो गिवन डेटा है उससे हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेंगे. सेल्स अमाउंट गिवन है उससे प्रॉफिट लेस कर देंगे. कितना कैपिटल एम्प्लॉयड 4,00,000 का 12.5% लेस कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगा. वेरिएबल कॉस्ट गिवन है वो भी लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट 60,000. फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के बाद यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट तैयार करेंगे बाय एक्सेप्टिंग सेल्स मैनेजर प्रपोजल. सबसे पहले सेल्स हमारा 5,00,000 के लिए था. ठीक है. ये 100% के लिए था. अब क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज करना है बाय 10%. तो 5,00,000 100 के लिए था तो 110 के लिए कितना होगा मल्टीप्लाइड इनटू हमारा क्या सेलिंग प्राइस भी बढ़ रहा है 4% से. तो पहले 100 पे होगा, अब 104 पे हो जाएगा. तो हमारा टोटल सेल्स अमाउंट आएगा इतना. इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट के साथ भी सेम होगा. वेरिएबल कॉस्ट जो गिवन था वो हमारा इसके लिए था, 100 के लिए था. तो अभी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा. और यहाँ पर कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है बाय 2%. तो पहले 100 था तो ये रिड्यूस होकर 98 हो जाएगा. तो वेरिएबल कॉस्ट का वैल्यू जो आएगा 420 होगा. ये बुक में गलत वैल्यू गिवन है. इसके बाद हम लोग कंट्रीब्यूशन भी निकाल लेंगे इसी प्रोसेस के थ्रू. इसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट हमारा अभी आया 60,000. ये भी कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है 98 के लिए. आप 98% या फिर 98/100 सेम थिंग है उसके लिए निकाल लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा. लेस कर देंगे कंट्रीब्यूशन से हमारा प्रॉफिट अमाउंट आ जाएगा. तो अब इसका परसेंटेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना है, तो दिस डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड
कितना आ रहा है, 23.195, तो विच इज ग्रेटर देन 23%. हेंस जो सेल्समैन का, सेल्स मैनेजर का प्रपोजल है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है. क्वेश्चन का पार्ट बी, डिटेल्स अबाउट द सिंगल प्रोडक्ट मार्केटेड बाय अ कंपनी आर इज अंडर. तो एक प्रोडक्ट का डिटेल गिवन है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इन द ईयर इज 5035. ये पॉइंट बाय मिस्टेक यहाँ पर है. पर्सुएंट टू एन अग्रीमेंट रीच्ड विद द एम्प्लॉयज यूनियन, देर वुड बी नेक्स्ट ईयर अ 10% इंक्रीज इन वेजेस अक्रॉस द बोर्ड फॉर ऑल दोज डायरेक्टली इंगेज इन द प्रोडक्शन. वर्कआउट हाउ मेनी मोर यूनिट्स हैव टू बी सोल्ड नेक्स्ट ईयर टू मेंटेन द सेम क्वांटम ऑफ प्रॉफिट. तो सेम क्वांटम ऑफ प्रॉफिट को मेंटेन करते हुए कितना यूनिट सोल्ड करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा लेबर कॉस्ट तो यहाँ पे बढ़ ही रहा है, उसी के साथ हमारा प्रॉफिट भी सेम होना चाहिए. क्वेश्चन में गिवन डेटा को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे टेबल में. सबसे पहले सेलिंग प्राइस 100, वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल का कॉस्ट 60, डायरेक्ट लेबर 10 था और इसमें 10% का इंक्रीज होगा. तो ये पहले 100 के लिए था, तो अब 110% के लिए होगा 11. फिर वेरिएबल ओवरहेड जो जितना था उतना ही रहेगा, तो टोटल करके हम लोग लेस कर देंगे, हमारा कंट्रीब्यूशन 19 आ जाएगा. अब नंबर ऑफ यूनिट्स टू मेंटेन सेम प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला क्या है? डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन मतलब सेम पीवी रहेगा हम लोग का जो प्रीवियस था. यहाँ पे भी नंबर गलत है, ये वाला रहेगा. ये हमारा लास्ट को जो पार्ट था क्वेश्चन का, उसमें भी यही वाला 1,07,000 आ रहा था, तो यही कंट्रीब्यूशन रहेगा. और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग का इस बार कितना आ रहा है, 19. तो इतना यूनिट सोल्ड करना पड़ेगा टू मेंटेन द सेम क्वांटम ऑफ प्रॉफिट. फिर अगला क्वेश्चन है कि बाय व्हाट परसेंटेज द सेलिंग प्राइस हैज टू बी रेज्ड टू मेंटेन द सेम पीवी रेशियो. सबसे पहले पीवी रेशियो जो था हमारा 20% था, तो उसके फॉर्मूला में हम लोग पुट कर लेंगे वैल्यूज. वी हमारा 81 आ गया था, सेलिंग प्राइस हमारा आ जाएगा ₹101.25. इलस्ट्रेशन 9, एक कंपनी है जो कि तीन प्रोडक्ट बना रही है, ए बी और सी. इसका बजटेड बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है इस टेबल पे. डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेस भी दिया हुआ है. इसके दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट वन और डिपार्टमेंट टू. डिपार्टमेंट वन का रेट पर आवर कितना है, 4, और टू का 2. अब ए बी और सी के लिए कितना लग रहा है? ए के लिए डिपार्टमेंट वन का 3 आवर्स लग रहा है, और 3 आवर्स पर यूनिट लग रहा है, और डिपार्टमेंट टू में 3 आवर्स पर यूनिट लग रहा है. इसी तरह बी का कितना लग रहा है, 5 आवर्स पर यूनिट और 8 आवर्स पर यूनिट डिपार्टमेंट टू के लिए. बजटेड प्रोडक्शन दिया हुआ है तीनों का, उसके बाद मैक्सिमम पॉसिबल सेल्स भी दिया हुआ है. सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है. वेरिएबल ओवरहेड बोल रहा है कि डिपार्टमेंट वन का रिकवर हो रहा है 100% ऑफ डायरेक्ट वेज, और टू का 50% हो रहा है डायरेक्ट वेज का. फिक्स्ड ओवरहेड गिवन है, बोल रहे हैं कि एक डायरेक्ट लेबर आर डिपार्टमेंट वन इज इन शॉर्ट सप्लाई एंड द बजटेड वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एम्फेसिस फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल डायरेक्ट लेबर आवर्स इन डिपार्टमेंट टू. द कंपनी हैज कमिटेड टू एंगेज वर्कर्स टू द एक्सटेंट ऑफ द डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर द बजटेड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. शुड अ चेंज इन द प्रोडक्ट मिक्स बी डिजायर्ड, द कंपनी कैन एंगेज एडिशनल डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड इन डिपार्टमेंट टू एट नॉर्मल रेट्स, बट एनी पोर्शन ऑफ द डायरेक्ट लेबर आवर्स ऑफ डिपार्टमेंट टू रेंडर्ड सरप्लस बाई रीजन ऑफ अ चेंज इन द प्रेजेंट प्रोडक्ट मिक्स हैव टू बी पेड बाई द कंपनीज आइडल वेजेस. रिक्वायर्ड प्रेजेंट स्टेटमेंट शोइंग द बजटेड प्रॉफिटेबिलिटी. तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को एक बजटेड प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है, इसका अभी काम नहीं है, तो हम सबसे पहले ऊपर में टेबल के अकॉर्डिंगली ये स्टेटमेंट बनाते हैं. सबसे पहले आएगा सेलिंग प्राइस, ए का 75, 105 और सी का 60 गिवन है. वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल जो दिया हुआ था ऐड कर देंगे. डायरेक्ट वेजेस वन का डिपार्टमेंट वन का कैसे आएगा, यहाँ 4 है ₹4 आवर्स पर यूनिट, और कितना आवर्स लग रहा है एक यूनिट पे, 3. तो 4 × 3 12, 4 × 5 20, 4 × 2.5 10, 2 × 3 6, 2 × 8 16, इस तरह से करेंगे. सी 12 20 10 6 16 एंड 12. रिपेयर ओवरहेड कितना है, 100% डायरेक्ट वेज से रिकवर हो रहा है, और 50% ऑफ डिपार्टमेंट वन का 100 और डिपार्टमेंट टू का 50% है वेजेस का. ठीक है, तो फिर कैसे यहाँ पर आएगा वेरिएबल ओवरहेड, डिपार्टमेंट वन का 100% तो 12 पूरा आ जाएगा, और डिपार्टमेंट टू का 50% तो कितना आएगा, 3. 12 + 3 = 15. यहाँ पर भी वैसे 100% तो 20 रहेगा, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 8. 20 + 8 = 28. 10 + 6 = 16. टोटल कॉस्ट आ जाएगा ऐड करके सबको, उसके बाद हम लोग सेलिंग प्राइस से लेस कर देंगे कंट्रीब्यूशन. तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर कंट्रीब्यूशन आ गया सेलिंग प्राइस से लेस करके, उसके बाद कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर निकाल लेंगे
कहीं निकलेगा डिपार्टमेंट वन का लेबर आवर्स है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डिपार्टमेंट वन में लेबर का शॉर्ट सप्लाई है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये कर लेंगे, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर निकाल लेंगे। इससे हम लोग प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि किसको ज़्यादा आवर्स अप्लाई करना या फिर एलोकेट करना ज़रूरी है। तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर के हिसाब से सबसे ज़रूरी ये है, रैंक वन, फिर रैंक टू, फिर रैंक थ्री। इसके बाद बजटेड यूनिट हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में, वो उतार लेंगे और टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। कैसे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय बजटेड यूनिट्स, तो टोटल हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। उससे हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर देंगे। हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना गिवन है? 5 लाख। हमारा टोटल जो यहाँ तक कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो 6,80,000 है। यहाँ से 5 लाख लेस कर देंगे तो 1,80,000 का हमारा प्रॉफिट अमाउंट आ जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, सेट ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स एंड वर्कआउट द ऑप्टिमम प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द आइडल टाइम, वेजेस इन इफ एनी पेबल टू डिपार्टमेंट टू, पेबल इन डिपार्टमेंट टू। तो ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स सिलेक्ट करना है, ये कैसे करेंगे? सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, नंबर ऑफ आवर्स इन डिपार्टमेंट वन। डिपार्टमेंट वन में हमारा बजटेड कितना है? 10,000, 12,000 एंड 20,000। और आवर्स कितना रिक्वायर्ड है? 3, 5 एंड 2.5 मल्टीप्लाई, और सबको ऐड करके हमारा टोटल आवर्स निकल आएगा। इसी तरह से डिपार्टमेंट टू का भी हम लोग कर लेंगे, बजटेड आवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी बजटेड यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे आवर्स को, तो हमारा टोटल आवर्स निकल के आ जाएगा। अब डिपार्टमेंट वन और डिपार्टमेंट टू के लिए टेबल बनाएंगे कि अवेलेबल आवर्स कितना है हमारे पास। डिपार्टमेंट वन में कितना है? 1,40,000। डिपार्टमेंट टू में इतना है। अब हम सबसे पहले ए में यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि ए को हम लोग सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज किए थे यहाँ पर, सबसे ज़्यादा वैल्यू एक ए को दिए थे। तो ए को हमको कितना प्रोड्यूस करना है यहाँ पर? इस टेबल में 12,000 हमारा यूनिट है। किसके अकॉर्डिंगली? जो मैक्सिमम प्रोड्यूस करना है हम लोग को, मैक्सिमम पॉसिबल सेल्स जो है वो 12,000 है यहाँ पे। बारह हजार, 16,000 और 24,000, तो इस अमाउंट के अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे। तो ए का 12,000 है, और 12 इंटू हमारे पास आवर्स कितना है? 3। तो 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 36। इसके बाद हम लोग लेस कर देंगे टोटल आवर्स से, तो हमारे पास 1,04,000 आवर अभी भी बचा हुआ है। अब ये बी को यूटिलाइज करने देंगे। बी में हमारा 16 है, 16 इंटू बी का कितना था हमारे पास? 5। तो 16 इंटू 5, 80। तो 80,000 आवर्स हमारा यहाँ यूटिलाइज हो गया। उसके बाद लेस कर देंगे इसको टोटल आवर्स से, तो हमारे पास 24,000 आवर्स बचता है। तो ये टोटल 24 आवर्स जो है ये हम लोग डिपार्टमेंट सी को दे, नहीं हाँ, ये प्रोडक्ट सी को हम लोग दे देंगे। तो कितना हम लोग यूनिट बना सकते हैं इस तरह से? 24 डिवाइड बाई 2.5 कर देंगे, तो हमारा टोटल यूनिट्स निकल के आ जाएगा 9,600। 9,600 यूनिट बना रहे हैं हम लोग सी का। अब हम लोग डिपार्टमेंट टू का सिमिलर वेज में निकालेंगे। टोटल आवर्स कितना था? ये अमाउंट हमारा था टोटल 2 लाख, 2,46,000। उससे यूटिलाइज ए में कितना कर रहे हैं? तो ए का हमारे पास यूनिट तो सेम रहेगा 12,000, और मल्टीप्लाई कर देंगे आवर्स से 3, तो 36 ही आएगा। बी का हमारा कितना है? 16,000 यूनिट्स है, और टाइम है 8, तो 16 इंटू 8, 128,000। उससे टोटल अमाउंट लेस कर देंगे टोटल आवर्स को, तो हमारे पास बच जाएगा 82,000 आवर्स। तो 82,000 आवर्स बच गया है हमारे पास। और यूनिट कितना है डिपार्टमेंट टू का प्रोडक्ट सी का? 9,600। 9,600 हमारे पास यूनिट्स है, और 6 आवर्स। तो हमारे पास कितना आवर्स का यूटिलाइज होगा सी में? 57,600 आवर्स ही यूटिलाइज होगा। और इसका मतलब क्या है? हमारे पास आवर्स कुछ बच जा रहा है। कितना बच जा रहा है? 82 माइनस ये कर देंगे, तो ये जो आवर्स है ये हमारा सेव हो जा रहा है, मतलब बच जा रहा है। तो यहाँ पे आइडल टाइम है लेबर के लिए। अब इस टेबल में देख लेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स तो हम लोग निकाल चुके हैं जो गिवन है, मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट्स, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी हम लोग ये निकाल चुके हैं 18, 25 एंड 10। इस हिसाब से टोटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके, टोटल आ जाएगा, लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट से, तो हमारा प्रॉफिट अमाउंट आ जाएगा। अब इससे हम लोग को कॉस्ट ऑफ आइडल वेजेस भी लेस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो भी आइडल आइडल टाइम बच जाएगा तो उसके लिए हम लोग को वेजेस देना पड़ेगा लेबर्स को, क्योंकि ये एक डील हुआ था कंपनी का लेबर्स के साथ। तो उस हिसाब से हमारा आइडल टाइम कितना बच रहा है? 24,400।
मल्टीप्लाई कर देंगे आवर्स कितना था, आवर रेट डिपार्टमेंट टू का आवर रेट 2 था, मल्टीप्लाई कर देंगे और लेस कर देंगे, तो प्रॉफिट आफ्टर आइडल वेजेस आ जाएगा हमारा 1,01,63,200, ये हमारा प्रॉफिट अमाउंट है।